बोले पवन सुत हनुमान की जय। अपने बूढ़िया क्या करें टाबर हम कि भाई वो काम कर टाबर करो ना मेरे को नहीं हो बूढ़िया कमरे के को नहीं हो के बांदराली पूछ होगी भी बांदराली पूछ को यो भजन है बा बांदराली पूछ किया हुई अपनी हर मारवाड़ी कुआवत हर लोकोक्ति हर मुआवरे को कोई न कोई मतलब है क्यों चलेड़ो अपनी एक कुआवत ने मारी बिल्ली मानी मैं आ क्यों चलेड़ी एक आदमी दूसरे को रुपया उधार ले लिया 20 वर्ष को टाइम बीत को रुपया दिया नहीं गया अब जो आदमी रुपया दिया भी को और तो जोर सालियों को ने भी पर मुकदमो कर दियो भी के पैसे पड़वा लागी ना वो एक वकील हूं मिलो वकील जी मैं फलाना आदमी को रुपया ले लिया 20 वर्ष को टाइम बीत को रुपया दिया नहीं गया आज मैं मेरी आर्थिक पोजिशन बढ़िया को नहीं मैं अगले को हिसाब कर दियो अरे भी मेरे पर मुकदमो कर दियो मेरी तो सजा होशी मैं तो जेल में जसो वकील जी बोले मेरी 20,000 तो फीस है और तेरो टक्को ही लागे को मेरे तेरी घेल छुटवा दो वो बोले वकील जी मने के लिए और के करोड़ों पड़ सी वकील जी बोला तने क्यों ही नहीं करोड़ों पड़े तेरी अब के पैसे पड़े तेरा शाम लो वकील और जज तने क्यों ही बुझे ना तू यहाँ कह दे न्याऊ वो बोले मैं 150 बार लगातार के दूजे घेल छुट जा तो अभी की पैसे पड़ी जैसा पूछ वाला गया ये आदमी का रुपया लिया बोले म्याऊ पाछा दे दे बोले म्याऊ अरे डंडिया पड़ सी बोले म्याऊ अरे जेल में जैसी बोले म्याऊ पैर भी करने वाला वकील जी खड़े हुए बोले जज साहब तो पागल आदमी है इन बेरोई को नहीं रुपया लिया कि नहीं लिया कत्ता लिया जज ने दया की बरी कर दियो कोर्ट के बाहर आया वकील जी कहने लगा क्यों देखी नहीं मेरी करामात तेरा टक्को ही लागे उधर तेरी गैल छुटवा दे ले मेरी फीस तो दे जद बोलियो मैं जद वकील जी बोले मारी बिल्ली माने तो अपने हर मारवाड़ी को आवत हर लोकोक्ति हर मुआवरे को कोई न कोई मतलब है क्यों चालेड़ो तो आ बांदराली पूछ के आवी भी कोई वजन है जी बहुत पुरानी कथा सुना मु सुनियो सब नर नार बहुत पुरानी कथा सुना मु सुनियो सब नर नार अरे बहुत पुरानी कथा सुना मु सुनियो सब नर नार बहुत पुरानी कथा सुना मु सुनियो सब नर नार काम में एक जंगल में आरी फूला की महकार अजब रंग कोई धर गोजी अंजनी को हनुमान महक में अजब रंग कोई धर गोजी अंजनी को हनुमान बड़ को भाग पर बड़ धर गोजी अंजनी को हनुमान अंजनी को हनुमान बाबो साला सर हनुमान बाबो साला सर हनुमान बड़ को कथा सुनाओ सुनियो सब नरनार काम में एक जंगल में आरी फूला की महकार महक में अजब रंग कोई धर गयो जी अंजनी को हनुमान प्रेमियो पांडवा ने 12 वर्ष को बनवास लागयो 1 वर्ष को अज्ञातवास लागयो वो अज्ञातवास पांडु एक कामे नाम को जंगलो बैठे बितारे बैठे की बारता है बिखो काट बाय ने गेड़ा 5 पांडु छठी द्रौपदी तो द्रौपदी भी बियाबान जंगल के मा एक तालाब को ऊपर नहा धोखी आपका बाल सुखा बखी और बाल सुखा था के बारता बड़े रखी आपने राम सभा सुने अरे भी जंगल में खड़ी द्रौपदी कर बैठी स्नान वो भी जंगल में खड़ी द्रौपदी कर बैठी स्नान भी जंगल में खड़ी द्रौपदी कर बैठी स्नान वो भी जंगल में खड़ी द्रौपदी कर बैठी स्नान बाल सुखाने आटे
जंगल में खड़ी द्रौपदी कर बैठी स्नान, बाल सुखाने आटे मन में कर राख्यो अभिमान, ले बैठी हाथ में द्रौपदी बिबियाबान जंगल कमा एक तालाब को पर नहा धोके आपका बाल सुखा बैठी। और बाल सुखाता सुखाता के बार था बड़े रखे आपने राम सभा सुने। अरे एक खवा के जो पैसे आयो लाल फूल लहरा दो, एक हवा के जो पैसे आयो लाल फूल लहरा दो, लाल फूल लहरा दो, एक हवा के से लाल फूल लहरा दो, ले ये हाथ में द्रौपदी बोली मारे मना लुबा दो, ले हाथ में द्रौपदी बोली मारे मना लुबा दो, अरे ले ये हाथ में द्रौपदी बोली मारे मना लुबा दो, मारो खुशबू से मन भर गयो जी अंजनी को हनुमान, मारो खुशबू से मन भर गयो जी अंजनी को हनुमान, अंजनी को हनुमान बड़ को खड़ी द्रौपदी कर बैठी स्नान, बाल सुखाने आटे मन में कर राख्यो अभिमान, ले बैठी हाथ में द्रौपदी भी बियाबान जंगल कमा एक तालाब को पर नहा धोके आपका बाल सुखा बखी। और बाल सुखाता सुखाता एक आवाज चाले और आवाज उड़ की एक फूल द्रौपदी के कन्नावे। द्रौपदी मन में विचार करो एक फूल तो ओ है, यदि एक फूल यहाँ को और तो और जोरदार बात बन जाए, लेकिन द्रौपदी मन में विचार करो फूल खातर कम है कि नहीं, तो विचार करती करती द्रौपदी किन फूल खातर कम रखी वार्ता बने रखी अपनी राम सभा। अरे जाके भीम बने से बोली फूल आया काला वो, ओ जाके भीम बने से बोली फूल आया
बोलो साला सर दरबार की जय। तो द्रौपदी जाके और भीम जी ने कहे कि जाके भीम बलि से न्यू बोली पिया फूल यहाँ का लाओ। हे महाराज मने यहाँ को एक फूल ला के दो। भीम जी कहला कि द्रौपदी तू फूल लाई कथे हो। द्रौपदी कहला कि महाराज यहाँ तालाब के ऊपर नहा दो कि मैं मेरा बाल सुखावा की और अया वासुट की फूल मेरे कन्ने। भीम जी कहला कि द्रौपदी भी टाइम आवा कहनी चले। बोले महाराज आवा तू आथुणी चले तो आथुणी साइड में भीम जी फूल लाने खातर जाए है कि आथुणी में चालियो। भीम जी चाल बैल अरडाटे मिनटा ने सेकंडा बना ली जा पूछो सरनाटे। भीम जी फूलाली शुद्ध पड़ गयो जी अंजनी को हनुमान जी साइड में फूल आयो बटन चाल पड़े है और चाल तो चाल तो एक बियाबान जंगल में भीम जी पूछे और कौन जंगल के मां भीम जी ने मिले रखी बार तबने रखी अपनी राम सभा सुने। अरे भाग्य तोड़ो पूछो भीम जी भयानक बन के अंदर। सर दरबार की जय। कि भाग्यो दौड़ो पूछो भीम जी भयानक बन के अंदर जरा फूटियो गेले माई पड़ियो मिलियो एक बंदर बंदर भीम जी बासो जाए अकड़गो जी अंजनी को हनुमान। चल तो चल तो बियाबान जंगल में पूछे है आगन जाके देखत रास्ता का एक बूढ़ो सो बानरो पड़ियो और बानर सु भीम जी माथा फोड़ी करने लग जाए और बानर ने भीम जी कहवे कि गेले माई कया पड़ियो तू आके खोद रे अंधा। बानरो जवाब दे मैं खूब बुड्ढो बानर थोड़ो ख्याल रख जे दादा उल्टो मारे ऊपर चढ़ गयो जी अंजनी को हनुमान। बानरो कहने भी यार तू इंसान है और मैं जानवर हूँ और मेरी उम्र तेरू बहुत ज्यादा है और फिर भी मैं अति दूर जंगल में आगे पड़े हूँ अटने को घर ने को बाढ़ ने को बस्ती क्यों ही को नहीं फिर भी तू मन परेशान करे। भीम जी कहला के बाबा तू थारी ठीक है बड़े पड़ो तो रस्ते के बीच में रस्ता हूँ तो एक करी पड़े। तो बानरो जवाब दे देखो भीम जी मेरे तो खड़े हो कोई जा और यदि तने बोली जल्दी हो तो तू एक काम करे अगर हो तने ज्यादा जल्दी दूर मने तू डर जा यदि तने बोली जल्दी हो तो मेरी बर्बाद एक कन गिर दे और यदि तू आधे रस्ते में खींच लो जा तो आधे रस्ते में मैं पड़े और आधे रस्ते में मेरी पूंछ पड़ी है पूंछ पकड़ के एक कन कर दे और दोनों काम नहीं हो तो अपने जयपुर कने की भाषा है कि ना तर जापे लड़ी सरगियो जी अंजनी को हनुमान। अपने बूढ़िया की कुआवत है
कि कोष कोष पर बदले बाणी पेंड पेंड पर बदले पानी अपनो आदमी जयपुर गेड़ो अरे बैठे का आदमी ने बूझ लेने भाई जी मैं रेलवे स्टेशन से सिर्फ तो बताओ तो जयपुर को आदमी क्या बतावे अंडा की होगी बंडा है बंडा बंडा हो जाएगी मारे फतेहपुर लक्ष्मणगढ़ पूछे भाई जी मैं साला सर से सिर्फ तो बताओ तो फतेहपुर लक्ष्मणगढ़ को आदमी क्या बतावे ठीक ही होगी ठीक ही फिर ठीक ही हो जाएगी तारा लूणकरण सर साइड बूझे भाई जी मैं पल्लो जी सिर्फ तो बताओ तो तारो आदमी क्या बतावे इन करो कि वीन करे वीन कर जाए इन कर वीन कर आई तो भाषा है इन कर बीन कर थाल इलाके की डाणी पांडू सर तारा के नहीं तो हम है ठेठ ताई आई है तो थे ये बोलो कि इधर उधर ठीक ये बोलो थोड़ी अरे झूंझ ना हुआ कोनी साइड बुझे भाई जी अगुणी साइड भाई जी मैं दिल्ली जैसी रस्ता हूं तो झूंझने को कोई आदमी तो मिल रहा होगा बठिन को आदमी क्या बताओ अट्ठी की होगी अट्ठी की पा अट्ठी की हो जाए पा बस हम फर्क है आपने कब से नागौर साइड का निकम है आपने कब सड़क बठिन कब हड़क आपने कब सांड बठिन कब हांड आपने कब बाई ने सासरे गा लियो अरे ठिन कब बाई ने सासरे मिल लियो अथा रबी है थोड़ी बाई ने और राजस्थान में सब सुंदर भाषा है तो जोधपुर की जोधपुर को आदमी बोले तो खाना ने बड़ा सुहावनो लगा बड़ा मीठा बोले काको सा बाबू सा दादो सा और आपने जो मानने है दो मारे तो ये बटका सा भरे माए ए माऊ और जोधपुर में रिपिया उधारा दीड़ा में और जे आगलो टाइम पर नहीं दे तो बड़ा सुंदर तरीके उनके कि काल मारा पैसा नहीं लौटाया तो मारे पैर री चरी थारे माथे माले भी राज ली आप ले जी अहिया को नहीं कहते जूत पड़ेगा समय वास्तव में फर्क है आपने महिला अपसरी में लड़े और एक दूसरे के पति ने गाड़ कर देखियो तेरो मूल्यो आपने मूल्यो पति ने कहे और जपर में मूल्यो बांदर ने कहे तो बांदर कहे बे मजी ने अगर वतन जाता जल्दी दूर मने तू दर्जा नीचो की पकड़ हाथ से पूछ अलग मेरी करजिया नातर जापे लाड़ी सरगियो जी अंजनी को बेवजी मन में विचार करो बांधरे की जात रापा नहीं आ करती तो रेशमा की बेवजी के काम करे रखी बार तबने रखी अपनी राम सभा सोने अरे गुस्सो खाके भीमजी मन में पूछे हाथ से पकड़ी ओ गुस्सो खाके मन में पूछे हाथ से पकड़ी अरे गुस्सो खाके भीमजी मन में पूछे हाथ से पकड़ी बेवजी मन में पूछ हाथ से पकड़ी बेवजी मन में विचार करो बांदरे की जात रापा नहीं आके दे तो रेशमा की पूंछड़ी ने पकड़े गुस्सो खा के बेवजी मन में पूछ हाथ से पकड़ी बेवजी लगायो जोर गणो पण पूछ जरा नहीं हाली
सद भेम जी सोची मठे की पूछ नहीं पंचवाली भेम जी झट चरणाम पड़ गयो जी अंजनी को हनुमान कह तो शेर बन जाओ लो खड़े को नहीं होंगे और पूछ डी टसु मसनी हो तो अकल ठिकाना आ जाए न सोची बुरी हो न सोचा है रिपिया को न सोचा है ज्ञान को न सोचा है ताकत को और न सोचा है दारू को दारू वालों तो और ही तकड़ो हुआ है दारू कद ज्यादा पियो है कह तो मेड़े खेड़े में ज्यादा पियो नहीं बार के बारे ज्यादा पियो अरे ब्याह शादी में ज्यादा पियो अरे ब्याह शादी में दारू पीनी हो पहल चोट पग हम आओगे राव राव सागन सागर जी मिल जाओ कहूँ टेंडर ही कहीं छूटे हुआ है अरे घर का कह दी कह दो दिन ब्याह तुम्हारी लाज राखी दारू पीनी कह के मैं मेरी माँ की को नहीं मानी अरे आका डॉक्टर हो मैं कौन सा आय और चेक भी डॉक्टर देखता यहाँ की गेबरों खटे जाए था लगा मैं भी डॉक्टर ही के अच्छा रोगी मरीज ज्यादा है गांव में मरीज भी कोनी डॉक्टर भी कोनी तारे गांव में बीमारी कोनी दोनों कोनी हाँ है अच्छा 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 अब बहुत बढ़िया बात है तो भैया कोई सर्दी जुकाम का भी कोनी के मैं लगा मैं सरदार माचो वेचनी आया तो गांव में चार पांच आदमी बीमार है और मच्छे परी है अब सरदार बापड़ा ही है तो लो मारे हैं कहे मच्छा ले लियो मच्छा ले लियो एक जनों बोले रहे बाणी बदल बीस तो ले रहा क्या ही और हूँ क्यों दिवा वो जाएंगे तो तब यंजी के भी ताकत को नशो हो पोछड़े नहीं आले तो हाथ जोड़ की बांध रहे यंजी के हैं हाथ जोड़ की यंजी बोलिया रूप बता दो थाका बांदरे रूप में कौन पड़े मन साची कह दे काका बेमजी जट चरणा में पड़ गयो जी अंजनी को हनुमान बांदरा का पग पकड़ लिया तो बांदरो आपको असली रूप दिखावे है और आखरी खड़ी में की वार्ता बने रखे अपने राम सभा सोने इच रूप धार जट दर्शन दिन